हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैक। जीएस टैक में बहुत बहुत स्वागत है आपका, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस। जी हाँ, ये कंप्यूटर साइंस की फुली डेडिकेटेड क्लास है जो कि रिलेटेड है बीपीएससी सातवां चरण शिक्षक बहाली से। तो यही बात करते हैं रिकैप की, यानी कि पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर जो कि था फंक्शन। तो फंक्शन का पार्ट वन जो कल हमने देखा था, उसमें 3-4-5 टॉपिक्स हमने कवर किए थे, इंक्लूडिंग उसका इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। तो ये सब हमने कवर किया था, उसमें आर्गुमेंट्स भी थे, पैरामीटर्स भी थे, और क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं फंक्शंस के वो हमने देखा था, और फंक्शंस रिटर्निंग वैल्यूज को देखा था। तो ये सभी टॉपिक्स हमने कल कवर किया था। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये आज पार्ट टू होने वाला है। अगर पहला आप नहीं देखेंगे तो दूसरा ठीक से समझ में आपको नहीं आएगा, समझने में परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप आज का वीडियो देखने से पहले आप पार्ट वन इसका देख लीजिए, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे उसके आगे, यानी कि आज का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो होगा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन का। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी सातवां फेज शिक्षक बहाली का कंप्यूटर साइंस के लिए। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको ये आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो कि है क्या, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि एग्जीक्यूशन जो होता है, किसी भी प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन जो होता है उसके फ्लो की बात हो रही है कि कैसे कैसे वो एग्जीक्यूट होता है, चलते जाता है, ठीक है ना। बात से तो यही लग रहा है, जो इसका टर्म है उससे तो यही लग रहा है। आइए इसका थोड़ा थ्योरी पार्ट देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है थ्योरी पार्ट। तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड। वही बात है कि किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा है आपका प्रोग्राम, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम, वही होता है कि आप फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है कि द पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट। ऑब्वियस ही बात है कि किसी भी चीज का जो शुरुआत होता है, यहाँ एग्जीक्यूशन की बात हो रही है, लेकिन किसी भी चीज का जो शुरुआत होता है वो ऊपर से होता है, फर्स्ट से होता है। इसलिए जो पाइथन इंटरप्रेटर भी जो होता है वो भी इंस्ट्रक्शन को जो एग्जीक्यूट करता है वो फर्स्ट स्टेटमेंट से करता है, और फिर वन बाय वन आगे चलता जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर है पॉइंट। व्हेन द इंटरप्रेटर इनकाउंटर्स अ फंक्शन डेफिनेशन, द स्टेटमेंट इनसाइड द फंक्शन आर नॉट एग्जीक्यूटेड अंटिल द फंक्शन इज कॉल्ड। कहने का क्या मतलब है कि जब इंटरप्रेटर जो है या फिर जो पाइथन का सेल है वो इनकाउंटर्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, उसको है ना, सो इनकाउंटर्स मतलब क्या होता है, सामना हो जाना। इनकाउंटर्स मतलब सामना होना, आमने सामने आ जाना, यानी कि इंटरप्रेटर के सामने जब फंक्शन डेफिनेशन आ जाता है तो द स्टेटमेंट इनसाइड द फंक्शन आर नॉट एग्जीक्यूटेड, तब तक वो स्टेटमेंट जो है सो एग्जीक्यूट नहीं होता है जब तक फंक्शन को कॉल नहीं किया जाता है। फंक्शन कॉल करेंगे तभी फंक्शन के अंदर का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। और हम फिर यही कहेंगे आगे के लिए कि आप थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान दीजिए, ठीक है, थ्योरीज पे आप ध्यान दीजिए। इसमें ऑलरेडी काफी प्रोग्राम्स हैं एग्जांपल में, वो हम आपको समझाएंगे, लेकिन सारे को नहीं समझाएंगे क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको कवर करेंगे, और हम कहेंगे कि आप भी उसी पे ध्यान दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि अब सब कुछ पढ़ने से आपको प्रोग्रामर तो नहीं बनना है, कोई कोडर तो नहीं बनना है, बस एग्जाम्स का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इतना ही है ना, ठीक है। लेटर व्हेन द इंटरप्रेटर इनकाउंटर्स अ फंक्शन कॉल, और जब इंटरप्रेटर को फंक्शन कॉल मिल जाता है तो देयर इज अ लिटिल डेविएशन इन द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, थोड़ा सा इधर उधर डेविएशन हो जाता है एग्जीक्यूशन के फ्लो में, ठीक है, क्लियर है बात। उसके बाद कहता है कि द कंट्रोल जंप्स टू द कॉल्ड फंक्शन एंड एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट ऑफ दैट फंक्शन। कंट्रोल क्या करता है कि जंप कर देता है कहां पे, फंक्शन पे। कंट्रोल जो है सो फंक्शन पे जंप करता है, यानी कि फंक्शन के पास से एग्जीक्यूट होगा जो भी होगा, सो एंड द स्टेटमेंट ऑफ दैट फंक्शन, और उस स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा,
ठीक है, बात क्लियर है। देखिए अब जैसे यहां पे इसका कहने का क्या मतलब हो गया, सिंपल अगर हम देखें तो जो लाइन ऑफ कोड होते हैं, जो भी लाइन ऑफ कोड होते हैं, इसके और इसको आसान भाषा में बता देते हैं आपको, जो भी लाइन ऑफ कोड होते हैं वो फंक्शन के बॉडी में क्या होते हैं, मेंशन्ड है। जो भी लाइन ऑफ कोड है वो क्या होते हैं, फंक्शन के बॉडी में मेंशन्ड होते हैं, और उसे वन बाई वन क्या होता है, उसका एग्जीक्यूशन होता है, उसका वन बाई वन क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है। अब उम्मीद करते हैं कि आप ये भारी भरकम भाषा से अच्छा है कि सिंपल भाषा को समझ गए होंगे। वही बात यहां लिखा हुआ है कि कंट्रोल जंप्स टू द कॉल्ड फंक्शन एंड एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट। कंट्रोल उसमें जाता है फंक्शन में और फिर उसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है उस फंक्शन का, यही तो लिखा हुआ है और तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है कि कुछ प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको समझाने से बेटर है कि हम इसको आगे बढ़ जाएं, क्योंकि हर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बार बार कहते हैं हर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस एक ही चीज करना है, वो भी क्या, कि प्रोग्राम्स को ध्यान से पढ़ना है, जो भी हम बता रहे हैं उस प्रोग्राम्स को आपको ध्यान से पढ़ना है, और आउटपुट बस आपसे पूछेगा एग्जाम में, ये सब लिखने वक्त नहीं दे रहा है, हम बार बार कहते हैं, हर क्लास में कहते हैं, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक है वो है अगला, क्या स्कोप ऑफ वेरिएबल, क्या है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। स्कोप सुनते हैं ना, क्या इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है, तो ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है वेरिएबल की, ठीक है। तो द वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, जो भी फंक्शन है उसके अंदर का जो वेरिएबल है कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड इट। ऑब्वियसली बात है कि कोई भी आदमी काम करता है, यहाँ पे आदमी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो वो एक सीमित दायरे में काम करता है, उसके बाहर वो काम नहीं कर सकता है। ठीक उसी तरह जो वेरिएबल डिफाइन किया जाता है किसी फंक्शन के अंदर में, वो उसके बाहर उसको आउट एक्सेस नहीं कर सकते, जो उसका दायरा है, जो उसका लिमिट है, उसके बाहर वो एक्सेस कभी नहीं होगा, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है कि द पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल कैन बी डिफाइंड एज स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल। देखिए, द पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल, ठीक है, प्रोग्राम का वह पार्ट जहां पे वेरिएबल एक्सेसिबल है, एक्सेस करने के योग्य है, उसको क्या बोलते हैं, स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल, उसको उसी वेरिएबल का स्कोप कहा जाता है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, डिफिनेशन क्लियर है। अब इसका क्या है कि दो स्कोप है इसका, वेरिएबल जो होता है ना उसका दो स्कोप होता है, क्या क्या है, सो यहां दिया हुआ है, वेरिएबल स्कोप दो पार्ट में है, एक क्या है ग्लोबल स्कोप और एक है लोकल स्कोप। अब ऐसा मत समझिएगा कि ग्लोबल है तो पूरा वर्ल्ड भर में चल रहा है, लोकल है तो घर के बगल का है, ऐसा नहीं है, ये भी एक तरह से वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफिनीशन इसका अलग है। वो अलग क्या है, तो आइए इसको एकदम देसी भाषा में समझते हैं। अ वेरिएबल दैट हैज ग्लोबल स्कोप इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। अब वैसा वेरिएबल जिसका ग्लोबल स्कोप है, मतलब पूरा प्रोग्राम भर में उसका स्कोप है, पूरे प्रोग्राम भर में क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। एंड वेरिएबल दैट हैज लोकल स्कोप, मतलब सिर्फ लोकल का क्या मतलब होता है इसका, अगर सिर्फ लोकल का हिंदी देखें तो क्या होता है, स्थानीय होता है। तो आइए इसको आगे देखते हैं तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा, थोड़ा सा और डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल होता क्या है, अब पहले ग्लोबल के बारे में पढ़ेंगे। तो इन पाइथन अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन और एनी ब्लॉक, वही बात मैंने आपको बोला, जिससे ग्लोबल मतलब क्या होता है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जिसको ग्लोबल तो नहीं कि ये चीज ग्लोबल है, तो उसमें तो पूरे दुनिया में हो रहा है, ग्लोबल है। तो यहाँ पे वेरिएबल के कंटेक्स्ट में क्या है कि वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन, एक फंक्शन है या फिर एक ब्लॉक है, उसके बाहर अगर उसको डिफाइन किया जा रहा है तो वो है आपका ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। इट कैन बी एक्सेस्ड इन एनी फंक्शन डिफाइंड ऑनवर्ड, और ये किसी भी फंक्शन में इसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। एनी चेंज मेड टू ग्लोबल वेरिएबल विल इंपैक्ट ऑल द फंक्शन इन प्रोग्राम वेयर दैट वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड। अब सिंपल सी बात है, जिसका कवरेज पूरे भर में होगा उसमें अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो सारे को इफेक्ट करेगा। अगर सिंपली देखें तो जिस चीज का कवरेज हर जगह है, ठीक है, पूरे इंटायर मतलब एक खास जगह, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल एक आदमी का लेते हैं, एक आदमी का मान लीजिए कि पकड़ पूरा जिला में है, तो अगर उसके साथ कुछ होता है तो उसका इफेक्ट पूरा जिला में होगा।
तो यहाँ पे वेरिएबल की बात हो रही है, ग्लोबल वेरिएबल की, अगर उसमें कुछ चेंजेस होता है तो पूरे फंक्शन को इम्पैक्ट करेगा, जितने भी प्रोग्राम में फंक्शन है उस सारे को इम्पैक्ट करेगा ग्लोबल वेरिएबल। आई होप कि आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो बात करते हैं लोकल वेरिएबल की, ग्लोबल क्लियर है तो आप बात करते हैं किसके, लोकल की। तो वेरिएबल दैट इज डिफाइंड इनसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक इज नोन एज लोकल वेरिएबल। ग्लोबल क्या है, सिंपली देखें तो ये फंक्शन के आउटसाइड में एक्सेस किया जा सकता है और ये इनसाइड में एक्सेस किया जा सकता है। थोड़ा ये क्लियरिटी, अच्छा एक मिनट, लोकल कहां एक्सेस किया जाता है, इनसाइड ए फंक्शन यानी कि फंक्शन के अंदर में, ठीक है, और ग्लोबल बाहर में। समझ गए क्या कहना चाह रहा है, इट कैन बी एक्सेस्ड ओनली इन द फंक्शन और ब्लॉक वेयर इट इज डिफाइंड। अब ये वहीं पे एक्सेस किया जा सकता है, किसी भी फंक्शन या ब्लॉक में ये वहीं पे एक्सेस किया जा सकता है जहां इसको डिफाइन किया जाता है। इट एग्जिस्ट ओनली टिल द फंक्शन एग्जीक्यूट, ये तभी तक एग्जिस्ट करता है, इसका अस्तित्व तभी तक है जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है इसी से रिलेटेड, तो इसमें देखिए कुछ खास इसमें है नहीं, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें कहा गया है कि प्रोग्राम टू एक्सेस एनी वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये ग्लोबल है, ठीक है, ये बाहर दिया हुआ है, फिर यहाँ से डेफ है और इसके ये अंदर में है, तो ये पार्ट किस में आ जाएगा, आपका लोकल में आ जाएगा। लेकिन ग्लोबली को, ग्लोबल को भी लोकल एक्सेस कर सकते हैं, ग्लोबल को भी एक्सेस कर सकते हैं किसमें, लोकल में, ठीक है, ये किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि नम का तो वैल्यू 5 दे दिया है और y बराबर नम प्लस 5 दे दिया है, ठीक है। अब प्रिंट क्या कराना है, एक्सेसिंग नम ग्लोबल, ग्लोबल की बात हो रही है, इन माई फंक्शन वन वैल्यू इज इक्वल टू जो नम का वैल्यू है सो, और y जो है वो कहाँ एक्सेस हो रहा है, लोकली एक्सेस हो रहा है, ठीक है। अब अगर प्रिंट यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, जो ग्लोबली एक्सेस हो रहा है वो क्या है, 5 है, और जो लोकली एक्सेस हो रहा है वो क्या है, 10 है। क्यों, क्योंकि नम प्लस 5, 5 प्लस 5, ठीक है, क्लियर है। तो यही है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है समझाने लायक, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक नोट दिया हुआ है, नोट में क्या कहता है, हम बार बार कहते हैं थ्योरी पे ज्यादा फोकस करिए, क्वेश्चन आपको देगा कोडिंग से भी, लेकिन अगर आपका थ्योरी पे कमांड है ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए क्या है, एनी मॉडिफिकेशन टू ग्लोबल वेरिएबल इज परमानेंट, अगर ग्लोबल वेरिएबल में कुछ भी मॉडिफिकेशन होता है, कुछ भी अल्टरेशन होता है, कुछ भी चेंजेस होता है, तो वो परमानेंट होता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एंड इट इफेक्ट्स ऑल द फंक्शन वेयर इट इज यूज्ड, अभी मैंने आपको एक आदमी का एग्जाम्पल समझाया कि जिला भर में अगर कुछ होता है तो उस पर इफेक्ट आएगा, ठीक उसी तरह जो ग्लोबल वेरिएबल है उसमें अगर कुछ चेंजेस आता है, उसमें अगर कोई चेंजेस आता है तो पूरे फंक्शन को इफेक्ट करेगा जहां जहां यूज किया जाता है वो, बात क्लियर है। इफ अ वेरिएबल विद द सेम नेम एज द ग्लोबल वेरिएबल इज डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन देन इट इज कंसिडर्ड लोकल टू दैट फंक्शन एंड हाइड्स द ग्लोबल वेरिएबल। देखिए यहाँ पे इंसान की बात हो रही है, जैसे सोनू नाम का आदमी है, ठीक है, दो आदमी, दोनों का नाम सोनू है, ये कहीं बाहर से आया, ठीक है, और ये घर के अंदर रहता है, ठीक है, एक बाहर से आया एक घर के अंदर रहता है। तो अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो वैल्यू ज्यादा किसको दिया जाएगा, जो घर के अंदर रहेगा उसी को ना आसपास के लोग ज्यादा वैल्यू करेगा, जो बाहर से आएगा उसको तो लोग पहचानेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए कि किसी गांव में सोनू नाम का आदमी फेमस है, वहीं पे सोनू नाम के आदमी कोई बाहर से भी आ गया, अगर सोनू सोनू बुलाएगा तो वो किसको समझेगा लोग, वो ज्यादा प्रभावशाली किसका रहेगा, अंदर वाले का, ऑब्वियस ही बात है कि जो गांव में ऑलरेडी पहले से रह रहा है उसी का रहेगा। तो वही अगर वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में देखें, उसी को अगर वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ग्लोबल वेरिएबल भी, दोनों का नाम सेम है, दोनों का नाम सेम है, तो इट इज कंसिडर्ड लोकल टू द फंक्शन, और लोकल को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा और ग्लोबल के, ग्लोबल को हाइड कर दिया जाएगा, एंड हाइड्स द ग्लोबल वेरिएबल। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से लाइन समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड इफ द मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज टू बी यूज्ड आउटसाइड द फंक्शन देन द कीवर्ड ग्लोबल शुड बी प्रीफिक्स्ड टू द वेरिएबल नेम इन द फंक्शन, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी ग्लोबल वेरिएबल का मॉडिफाइड जो होता है, मॉडिफाइड वैल्यू
कोई भी ग्लोबल वेरिएबल का मॉडिफाइड वैल्यू को अगर यूज करना है फंक्शन के बाहर में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको कीवर्ड लगाना पड़ेगा क्या ग्लोबल, तब जाकर समझाएगा कि नहीं ग्लोबल को एक्सेस किया जा रहा है। मान लीजिए कि अगर इसको एक्सेस कर रहे हैं लोकल में, तो वहां पे आपको देना पड़ेगा ग्लोबल, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं देंगे ग्लोबल तो वो लोकल समझ जाएगा, इसलिए उस केस में आपको ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? जैसे यहां पे देखिए नम 5 दिया हुआ है यहां पे, अब अगर इस वैल्यू को चाहते हैं कि इसके अंदर एक्सेस हो, तो यहां पे ग्लोबल के साथ नम लगाना पड़ेगा, तब जाकर यह समझेगा नहीं ग्लोबल चीज को एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है। बस आप कंसेप्ट पे ध्यान देते चलिए, कोड वोड में ये सब थोड़ा अलग लेवल्स का कोड है, अलग लेवल करने का मतलब कि ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इंपॉर्टेंट रहता तो हम आपको तोड़ तोड़ के समझा देते, लेकिन हम नहीं चाहते हैं ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो, वैसे अगर एक एक चीज समझाने बैठे तो 2 घंटा का वीडियो आराम से बन जाएगा, पार्ट 2 की ही बात कर रहे हैं, 2 घंटा का आराम से बन जाएगा, लेकिन टाइम हमें बचाना है, स्मार्ट स्टडी करना है, हर कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको आइडिया रखना है, जैसे ग्लोबल लोकल है एग्जाम में आ जाएगा, तो आपको आइडिया रहेगा ना कि क्या क्या करना है, ग्लोबल कैसे काम करेगा लोकल कैसे काम करेगा। अब आप सिर्फ प्रोग्राम रट रहे हैं, प्रोग्राम 4 देख लिए, तो उससे क्या होने वाला है, थ्योरी पे कमांड करना ही पड़ेगा अगर आपको सही से क्वेश्चन सोल्व करना है तब, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारा जो अगला मेन टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है वो है पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है। अब देखिए आपको ऑलरेडी पता है कि जो पाइथन होता है उसके पास क्या होता है, रिच लाइब्रेरी है, ये तो पता है, लिखा हुआ भी है कि पाइथन हैज वेरी एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ठीक है, और इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी बिल्ट इन फंक्शन दैट कैन बी कॉल्ड इन अ प्रोग्राम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। देखिए जो पाइथन होता है उसके पास बहुत सारा बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन कहने का क्या मतलब है कि ऑलरेडी उसके पास पहले से डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड आप इसको बोल सकते हैं, प्री डिफाइंड है, आपको ऊपर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही ऑलरेडी आपको पाइथन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। प्री डिफाइंड बोल भी सकते हैं क्योंकि बिल्ट इन क्या होता है कि पहले से, जैसे बोलते हैं ना कि मोबाइल हम खरीदे पहले से मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आया है ऐप, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी एंड्रॉयड फोन करें तो उसमें पहले से यूट्यूब इंस्टॉल्ड आता है, तो ये क्या है, बिल्ट इन है, वो पहले से आपको ऑलरेडी देकर रखा है। ठीक उसी तरह पाइथन के पास ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शन है जो कि ऑलरेडी उसके सेल में इंस्टॉल्ड होते हैं या फिर फिक्स होते हैं, बोल सकते हैं सेल या इंटरप्रेटर में, ठीक है ना। दस सेविंग प्रोग्रामर्स टाइम ऑफ क्रिएटिंग दोज कॉमनली यूज्ड फंक्शन एवरी टाइम। अब इससे क्या होता है कि अगर पहले से उसमें फीड कराया हुआ है, ठीक है, पहले से ऑलरेडी कुछ फंक्शंस फीड कराया हुआ है, तो इससे प्रोग्रामर्स का टाइम बचेगा, जो कोडिंग कर रहा है उसका टाइम बचेगा, बार बार उसको लिखने से अच्छा है कि जैसे मान लीजिए कि बार बार टाइप करना पड़ेगा, पहले से सजेस्ट कर दिया वो, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उसके लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है, तो प्रोग्रामर्स को दिक्कत नहीं होता, उसका टाइम अच्छा खासा बच जाता है। समझ में आ गया क्या होता है बिल्ट इन और लाइब्रेरी में, ठीक है। बिल्ट इन को ऐसे हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ आपको 2 लाइन समझा दिए, बिल्ट इन को भी अच्छे से आगे पढ़ेंगे। अब देखिए फंक्शन है, फंक्शन को क्या है 2 पार्ट में तोड़ा हुआ है, एक है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी और एक है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड में क्या होता है कि यूजर उसको डिफाइन करेगा, यानी कि अगर हम यूजर हैं तो उसको खुद से डिफाइन करेंगे, खुद से डिफाइन करते हैं। और स्टैंडर्ड में क्या होता है कि ऑलरेडी पहले से डिफाइंड रहता है, यानी कि जिसको प्री डिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये 2 पार्ट में टूटा, किसमें, एक बिल्ट इन होता है और एक मॉड्यूल होता है, ये दोनों क्या होता है वो आगे देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है आपके पास, बिल्ट इन है, पहला क्या है आपका बिल्ट इन फंक्शन। अब ये होता क्या है, तो बिल्ट इन फंक्शन रेडीमेड फंक्शन, अब रेडीमेड होता है ना, जैसे आप कपड़ा खरीदते हैं कोई भी रेडीमेड, यानी पहले से सिला हुआ रहता है, तो बिल्ट इन फंक्शन क्या है कि रेडीमेड फंक्शन, वो पहले से आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, ठीक है, दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन प्रोग्राम, और जिसको प्रोग्राम में हम लोग यूज करते हैं बार बार, ठीक है। जैसे एक छोटा सा प्रोग्राम है,
और ये समझाने की आई डोंट थिंक आपको जरूरत है, उतना भी कुछ तीसमार खानी प्रोग्राम नहीं। अब देखिए, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड फॉर दीज बिल्ट इन फंक्शन आर ऑलरेडी डिफाइंड इन पाइथन। यही बात मैंने आपको भी बताया कि जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, वो सब जो बिल्ट इन फंक्शंस के लिए होते हैं वो क्या होते हैं, ऑलरेडी डिफाइंड इन पाइथन इंटरप्रेटर। उनको पहले से ही पाइथन के जो इंटरप्रेटर या सेल जो होते हैं उस पे पहले से वो क्या होते हैं, डिफाइंड होते हैं, बिल्ट इन। ठीक है, आपको करने की जरूरत नहीं है उसको डिफाइन। पॉइंट क्लियर है? जैसे इनपुट फंक्शन है, यहां पे क्या है, इनपुट फंक्शन। क्लियर है? ये हम ऐसे ही टिक मार दिए, हमको ये समझ कर चल रहे हैं कि ये सब आपको पता है कि अब ये तो हम नहीं बताएंगे आपको पर कि ये पैरेंथेसिस होता है और स्ट्रिंग इंटरियर नेम, ये सब तो ऑलरेडी कितना बार समझा चुके हैं, तो बार बार आई डोंट थिंक ये समझाने की जरूरत है। तो अब डायरेक्ट जंप करते हैं कि क्या क्या होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। ये सब देखिए, एक एक लाइन पढ़ना कोई होशियारी का काम नहीं है, कि हम चाहेंगे तो हम पढ़ा ही देंगे आपको एक एक लाइन, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन टाइम बर्बाद होगा और टाइम को बर्बाद नहीं करना है। अभी बहुत कुछ पढ़ना है आगे चल के, अभी मेन मेन चीज तो बचा हुआ ही है पढ़ना। ये सब तो सीरियली हम चल रहे हैं इसलिए बता दे रहे हैं, दो दिन में सब कुछ निपटा रहे हैं, लेकिन जब मेन टॉपिक सब आएगा ना, नेटवर्किंग, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS, तो उसमें फिर बहुत तोड़ तोड़ के आपको हम समझाएंगे, लेकिन हाँ जितना जरूरत है उतना ही। अब आते हैं कि इसमें बिल्ट इन फंक्शन में, ये मत समझिएगा कि हम जो जो स्किप कर देते हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं, क्या रीजन है छोड़ने का। तो रीजन यही है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे। और आज से आपको पता है कि क्या है, 5 ऑप्शन आने वाले हैं, डेमो फॉर्म आ गया है, सॉरी डेमो OMR जिसको बोलते हैं, डेमो OMR भी आ गया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो में एक बना भी चुके हैं क्या क्या OMR में है, क्या क्या डिटेल्स है, तो आप उसको जाकर देख लीजिए वीडियो को, आज सुबह का ही वो वीडियो है। तो बात करते हैं बिल्ट इन फंक्शन का। तो बिल्ट इन में क्या क्या होता है, सबसे पहले इनपुट आउटपुट के लिए क्या है, एक इनपुट फंक्शन, एक प्रिंट फंक्शन है, पता ही है आपको। डेटा टाइप कन्वर्जन की बात करें तो बुलियन है, कैरेक्टर है, डिक्शनरी, फ्लोट, इंट, लिस्ट, ऑर्डर, सेट, स्ट्रिंग, टपल, ये सब किसके लिए है, डेटा टाइप कन्वर्जन के लिए है। मैथमेटिकल फंक्शन में क्या है, एब्सोल्यूट, डिवीजन मॉड्यूलस, मैक्स, मीन, पावर, सम, ये सब किसके लिए है, मैथमेटिकल फंक्शन में। फिर अदर फंक्शन, इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट यूज करेंगे, लेंथ, रेंज, टाइप, तो ये सब क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है अलग अलग ऑपरेशन के लिए। अगर इनपुट आउटपुट चाहिए तो इनपुट वाला यूज करेंगे, डेटा टाइप चाहिए तो वो आपके सामने है, मैथमेटिकल चाहेंगे तो वो सामने है, फिर कुछ और फंक्शन है तो वो भी, ये सब है इंपोर्ट, लेन, रेंज, टाइप। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? अब आपके मन में आ रहा होगा कि बिल्ट इन फंक्शन है तो यह तो ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, यानी कि पहले से यह डिफाइन किया हुआ रहता है, तो इसमें आप एक लाइन अगर आपको लिखना है तो आप ले सकते हैं कि इसके लिए किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि बिल्ट इन का मतलब इसमें क्या समझ सकते हैं, तो रुकिए लिख देते हैं, जगह है ना यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं। बिल्ट इन फंक्शन के लिए, बिल्ट इन फंक्शन के लिए किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत, ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, इसलिए हम बार बार ये सब चीज लिखा देते हैं आपको। ठीक है, और जरूरत नहीं है तो फिर क्या है, तो इसको डायरेक्ट यूज किया जा सकता है, इसको डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। एकदम तो एक एक लाइन हम आपको तोड़ तोड़ के लिखा देते हैं, अब इससे आसान भाषा में क्या ही कोई पढ़ाएगा आपको। तो ये बात हो गई किसकी, बिल्ट इन फंक्शंस की। अब कुछ ऐसे फंक्शंस, यानी कुछ ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस की बात करते हैं जो कि बार बार यूज होते हैं, कॉमनली यूज किए जाते हैं। जैसे पहला क्या है, एब्सोल्यूट, ABS मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस लगा हुआ है कि अगर निगेटिव में है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव है तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, जैसे -5.7 है, मॉड लग जाएगा, यानी कि इसका कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा और 5.7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगला आपका डिव मॉड, यानी कि डिवीजन मॉड्यूल, यानी क्या है, डिवीजन
मॉड्यूल, और इसमें क्या क्या है, जैक टपल है ये, और कोसेंट रिमाइंडर यानी कि जो फॉर्मेट होता है ना वो क्यू कॉमा आर के फॉर्म में होता है। जैसे 7/2 है, 7/2 करेंगे तो 2 3 6 एक बचेगा, तो 3 और 1 यानी 3 इसका कोसेंट है और 1 रिमाइंडर, वही यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, मैक्स सिक्वेंस है, मैक्स सिक्वेंस क्या है, जो मैक्सिमम वैल्यू होल्ड कर रहा है, जो मैक्सिमम वैल्यू होल्ड कर रहा है, जैसे मैक्स 1 2 3 4, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4 है, वही 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, मीन सिक्वेंस है, वही है, बताने की जरूरत नहीं है। पावर है, तो जैसे 5 2 है, तो यानी क्या है, 5 के पावर 2 25 हो गया। ठीक है, 5.3 के पावर 2.2, अब ये कैलकुलेट आप करेंगे तो आंसर लिखा हुआ है ऑलरेडी, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे इसको। समझ में आ गया क्या है। फिर है सम एक्स नम, अब ये होता क्या है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द सीक्वेंस फ्रॉम लेफ्ट राइट, जो भी है वो फॉलो होगा इसके केस में। ठीक है, फिर है लेन एक्स, लेन मतलब क्या है, लेंथ उसका बताना है आपको, लेन मतलब लेंथ, लेंथ मतलब सिंपली उसका काउंटिंग आपको बताना है, काउंटिंग। ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा है ना, क्योंकि मेरा आदत है थोड़ा सा तेज चलने का, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा लंबाई भी मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा देर हम 1 घंटा के बाहर नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप ही लोग को देखने में दिक्कत होगा। लेन पेशेंस लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 हो गया। लेन 12 34 98, तो कितना हो जाएगा, ये 1 2 और 3, 3 लेंथ हो जाएगा, 9 45 2 हो जाएगा, तो उसी तरह कैसे चलता रहेगा। ठीक है, इतना तक पॉइंट क्लियर है, कैसे कैसे डिफाइन किया जाता है, बिल्ट इन फंक्शन को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, पूरा पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़े। तो अब बात करते हैं मॉड्यूल की, दूसरा क्या था, जैसे जो स्टैंडर्ड आपका लाइब्रेरी था उसमें 2 था ना, मॉड्यूल और बिल्ट इन, तो बिल्ट इन हो गया, दूसरा क्या है, मॉड्यूल है। अब देखिए मॉड्यूल के केस में क्या होता है, मॉड्यूल अगर बोले, अब इतना बहुत सारा लंबा चौड़ा बात इसमें लिखा हुआ है, लेकिन अगर एक लाइन में बोले तो मॉड्यूल क्या होता है, तो अगर हम एक लाइन में बोलते हैं तो मॉड्यूल होता है सेट ऑफ फंक्शंस। मॉड्यूल क्या होता है, सेट ऑफ फंक्शंस, फंक्शन का सेट है, और भी कैसा फंक्शन, रिलेटेड फंक्शन की बात हो रही है। अगर ये आपको नहीं समझना तो सिंपली आप फंक्शन ही समझिए। ठीक है, सेट ऑफ फंक्शन, अब फंक्शन क्या होता है, सो हम पहले पढ़ा चुके हैं, वो भी थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन होता है नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या होता है फंक्शन, नेम्ड, पिछले क्लास की ही बात है, भूलिएगा नहीं, नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस बोले या फिर स्टेटमेंट, दोनों एक ही है। ठीक है, तो एक लाइन में क्या बोलेंगे मॉड्यूल को, सेट ऑफ फंक्शन, और फंक्शन क्या होता है, नेम्ड ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ये इतना बेसिक चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा इसके भी डिफिनेशन को देख लेते हैं, नहीं तो बेचारा बुरा मान जाएगा। अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हमने आपको बताया है यही तो है, अ मॉड्यूल इज ग्रुपिंग ऑफ फंक्शन, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि नहीं। एज वी नो दैट व्हेन अ प्रोग्राम ग्रोज, फंक्शन इज यूज टू सिंप्लीफाई द कोड एंड टू अवॉइड रिपीटेशन। प्रोग्राम ग्रो करेंगे क्या मतलब, कि जैसे जैसे आप प्रोग्राम लिखते जाएंगे प्रोग्राम लंबा होता जाएगा, ग्रो मतलब बढ़ना, यहाँ पे आदमी के बढ़ने की बात नहीं है, प्रोग्राम की बढ़ने की बात हो रही है, यानी कि प्रोग्राम बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए 100 लाइन है, 1000 लाइन है, प्रोग्राम जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है, उससे क्या होता है कि फंक्शन इज यूज टू सिंप्लीफाई द कोड, अगर कोड को सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए फंक्शन का यूज किया जाता है। अगर कोड को सिंप्लीफाई करना है जैसे जैसे प्रोग्राम बड़ा हो रहा है, तो उस केस में फंक्शन का यूज किया जाता है, और जो रिपीटेशन होता है, जो बार बार दोहराया जा रहा है किसी भी चीज को, उसको अवॉइड करना पड़ता है, अवॉइड करता है, करना पड़ता तो है ही, करता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है ये। अब बात करते हैं अगला लाइन का, तो फॉर अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में क्या होता है कि इट मे नॉट बी फिजिबल टू मैनेज द कोड इन वन सिंगल फाइल। ऑब्वियस सी बात है कि अगर बहुत, मान लीजिए कि 1 लाख लाइन का कोड लिखा हुआ है, ज्यादा जीरो पड़ गया क्या, 1 आया तो है, 1 लाख नहीं,
ये यहां नहीं पढ़ के यहां पड़ेगा। मान लीजिए कि 1 लाख लाइन का कोड लिखा हुआ है, तो इट मे नॉट बी फिजिबल टू, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, आसान नहीं उसको मैनेज करना, वो भी कैसे एक सिंगल फाइल में। तो उसके लिए क्या होता है कि द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स अंडर डिफरेंट लेवल। अब प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है अलग अलग लेवल्स के अंदर में, उसी को क्या बोलते हैं मॉड्यूल। तो इसीलिए इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कह दिए, सेट ऑफ फंक्शंस। अब क्लियर हो गया है पूरा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मॉड्यूल होता क्या है। अब होता क्या है तो इसके बारे में एक लाइन और देख लेते हैं। मॉड्यूल इज क्रिएटेड, मॉड्यूल इज क्रिएटेड एज पाइथन पीवाई फाइल कंटेनिंग अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस डेफिनेशन। पाइथन पीवाई देख के आपको दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए कि ये क्या है, ये आपका पीवाई एक्सटेंशन है। क्या है? डॉट पीवाई एक्सटेंशन होता है, और एक्सटेंशन किस चीज के लिए होता है? पाइथन प्रोग्राम सेव होता है इसी एक्सटेंशन के साथ। पाइथन के जो प्रोग्राम्स होते हैं, पाइथन प्रोग्राम, वो इसी एक्सटेंशन से सेव होते हैं, वो इसी, नीचे लिख देते हैं, एक्सटेंशन से सेव होते हैं। याद आ रहा है ना इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड? स्क्रिप्ट मोड में क्या था, डॉट पाई एक्सटेंशन सेव होता है डॉट पीवाई से, याद आया ना? तो वही बात इसमें कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, टू यूज अ मॉड्यूल, मॉड्यूल को यूज करने के लिए वी नीड टू इम्पोर्ट द मॉड्यूल। ऑब्वियस सी बात है कि मॉड्यूल को यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। वंस वी इम्पोर्ट अ मॉड्यूल वी कैन डायरेक्टली यूज ऑल द फंक्शन ऑफ द मॉड्यूल। और एक बार अगर आप उस मॉड्यूल को इम्पोर्ट कर लेते हैं तो आप उस सारे फंक्शन को यूज कर सकते हैं जो भी उस मॉड्यूल में, ठीक है। अब बात करते हैं इम्पोर्ट स्टेटमेंट के सिंटैक्स के, सिंटैक्स की बात करते हैं तो क्या है, इम्पोर्ट मॉड्यूल नेम और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, मॉड्यूल नेम टू, ऐसे कर करके हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या है, सिंटैक्स, ये आप ध्यान में रखेंगे। टू कॉल अ फंक्शन ऑफ अ मॉड्यूल, किसी भी मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल करने के लिए द फंक्शन नेम शुड बी प्रीसीडेड विद द नेम ऑफ मॉड्यूल विद अ डॉट एज सेपरेटर। मतलब अगर मॉड्यूल के फंक्शन को कॉल करना है तो आपको उसके लिए सेपरेटर का यूज करना पड़ेगा, जो कि क्या है, डॉट होता है। मॉड्यूल का नाम फिर डॉट, जैसे देखिए मॉड्यूल का नाम है फिर यह क्या है, डॉट है, फिर फंक्शन का नाम है, और यह डॉट क्या आपको क्या बोला जाता है, इसी को सेपरेटर बोला जाता है, सेपरेट करने वाला, सेपरेटर, ओ आर लगा हुआ, ठीक है। अब जो आपका मॉड्यूल होता है ना, जो आपका मॉड्यूल है वो दो तरह का होता है, जिसमें पहला क्या है, बिल्ट इन मॉड्यूल है, मतलब पहले से आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, प्री इंस्टॉल्ड जिसको बोलते हैं ना देसी भाषा में, मोबाइल के भाषा में, वही है क्या, बिल्ट इन। तो पाइथन लाइब्रेरी हैज मेनी बिल्ट इन मॉड्यूल, पाइथन लाइब्रेरी के पास बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल होते हैं दैट आर रियली हैंडी टू प्रोग्रामर, मतलब प्रोग्रामर्स को यूज करने में काफी आसान होता है। लेट अस एक्सप्लोर सम कॉमनली यूज्ड मॉड्यूल, कुछ कॉमनली यूज्ड मॉड्यूल क्या क्या है, हमें सिलेबस के माध्यम से देखा जाए तो तीन ही पढ़ने हैं, होता तो बहुत सारा है लेकिन सब नहीं पढ़ना है, मैथ, रैंडम और स्टेटिस्टिक्स, तीन ही पढ़ना है, ध्यान में रखिएगा। बिल्ट इन में क्या क्या पढ़ना है फिर हम यहां पे लिख देते हैं, आपको पढ़ना है मैथ्स मॉड्यूल, फिर रैंडम और स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये तीनों मॉड्यूल आपको पढ़ने हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब इसमें एक चीज और आपको थोड़ा रिमेम्बर में पिन लगा हुआ है, थोड़ा इस पर भी ध्यान ले आते हैं क्योंकि इस पर ध्यान हम लोग कम देते हैं अक्सर। रिमेम्बर पाइथन इज केस सेंसिटिव, ऑल द मॉड्यूल नेम्स आर इन लोअर केस। देखिए यहाँ पे कहीं भी आप कैपिटल लेटर का यूज नहीं कर सकते। केस सेंसिटिव मतलब क्या है, केस सेंसिटिव मतलब में क्या क्या होता है, अपर केस और लोअर केस। अगर कोई भी केस सेंसिटिव है तो ये दोनों दोनों में डिफ्रेंशिएट होता है, यानी कि अगर लोअर की जगह पे आप अपर लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड जो आप लगाते हैं कहीं भी, जीमेल का हो गया, फोन का हो गया, तो कहीं भी आप पासवर्ड लगा रहे हैं सोशल मीडिया का, तो वो केस सेंसिटिव होता है, यानी कि उसमें अगर आपका पासवर्ड अगर कैपिटल लेटर में है वहां पे अगर आप स्मॉल डाल दिए तो वो गलत हो जाएगा। तो पाइथन के केस में क्या होता है कि पाइथन भी केस सेंसिटिव होता है,
और जो भी मॉड्यूल्स लिखे जाते हैं इसमें सारे लोअर केस में लिखे जाते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, ये याद रखेंगे आप। कैसे लिखे जाते हैं? स्मॉल लेटर्स में। आपको कहीं कैपिटल दिख रहा है इसमें? मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शंस नेम फिर पैरेंथेसिस, कहीं आपको दिख रहा है इसमें कैपिटल लेटर? नहीं, ये सारे लोअर केस में लिखे जाते हैं, यानी कि स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। बात क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ें। तो जो पहला आपका मॉड्यूल है वो है मैथ मॉड्यूल। पहला बात करेंगे किसका? मैथ मॉड्यूल का। तो इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल फंक्शन, बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन इसमें होते हैं। आइए बारी बारी से देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे क्या था? मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम था। तो यहाँ पे देखिए मैथ क्या है? मॉड्यूल है और सिल यानी कि सीलिंग वैल्यू चाहिए, तो ये क्या है? फंक्शन है। जस्टिफाई हो गया ना? सीलिंग वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे -9.7 का सीलिंग वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव चल रहा है। ये फ्लोर रहता तो क्या हो जाता? -10 हो जाता, ठीक है। 9.7 का सील वैल्यू, ये पॉजिटिव में, ये निगेटिव में है, तो ये 10 है, और 9 का तो 9 ही है क्योंकि अकेले ही दिया हुआ है, ठीक है। वैसे फ्लोर वैल्यू की बात करते हैं तो ये क्या है? ये आपका मॉड्यूल है और ये फंक्शन है, ठीक उसी तरह है। फिर मैथ फैब्स है। फैब्स किसके लिए यूज हो जाता है? एब्सोल्यूट के लिए। एब्सोल्यूट क्या है? मॉड्यूलस के लिए। अब मॉड्यूलस मतलब आप वो रिमाइंडर नहीं समझिएगा यहाँ पे, अब वो बताना कभी कभी भूल जाते हैं। मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर नहीं समझिएगा, रिमाइंडर वाला मॉड्यूलस अलग है और ये मॉड्यूलस, ये मॉड वाला होता है। मैथ में आप बचपन में पढ़े हैं ना मॉड वाला, ये अगर निगेटिव मान लीजिए कि एक्स है तो बाहर निकलेगा तो ये एक्स हो जाएगा, ये वाले मॉड की बात हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए -6.7 है, तो मॉड कैसा है? ऐसे है, बराबर 6.7, ये ऐसे निकलेगा, और -4 का 4, तो ये वाले मॉड, ये रिमाइंडर यहाँ मत समझिएगा, ठीक है, इसलिए हम आपको बता दिए। मैथ्स डॉट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल निकालना है। 5 का फैक्टोरियल कैसे निकलता है? 5.4.. मतलब इंटू होकर बात हो रही है, 5 का 20 60 120, और वहीं आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका एफ मॉड, उसी तरह जीसीडी है। फिर पीओडब्ल्यू है, यानी कि जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, यानी सिंपली एचसीएफ की बात हो रही है। पीओडब्ल्यू मतलब पावर हो गया, एसक्यूआरटी मतलब स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। और एसआईएन क्या है? साइन फंक्शन की बात हो रही है। एसआईएन ही साइन फंक्शन, जो आप कहाँ पढ़ते हैं? ट्रिगो में पढ़ते हैं, वो वाला है, ठीक है। और ये आप एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। कोई दुख दिक्कत तकलीफ परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत तोड़ के आपको बता रहे हैं, इससे तोड़ के कोई क्या ही बताएगा, यही तो कहते हैं, इससे तोड़ के कोई क्या ही बताएगा। तो अब बात करते हैं इसका, रैंडम का, जो दूसरा है हमारा, क्या है? रैंडम है। और बहुत लोग के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि जो भी हम आपको प्रोग्राम्स बता रहे हैं वो प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा रहे हैं। तो अगर यही एनसीईआरटी का जो क्लास 11 का हम पढ़ा रहे हैं, ये हम 11 क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना यही चीज, तब उसको प्रैक्टिकल करके दिखाते, क्योंकि उसको एग्जाम में पूछेगा, लेकिन आपके एग्जाम में कोडिंग नहीं पूछेगा। आपको थ्योरेटिकल पार्ट पे ध्यान देना है, कोडिंग में आप क्या क्या होता है हम बेसिक्स आपको ऑलरेडी पाइथन चैप्टर में बता चुके हैं कि कैसे आउटपुट निकलता है, उसका तरीका भी हमको बता दिए कि कैसे कैसे फ्लो होगा उसका, ये सब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आपको घबराना नहीं, अगर आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं फिर तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है आपको। दूसरा है मॉड्यूल नेम रैंडम। अब नाम से लेके रैंडम मतलब क्या होता है? रैंडम मतलब कोई भी यूनिक वैल्यू जनरेट कर देगा। रैंडम मतलब क्या होता है? कि हमेशा यूनिक वैल्यू देगा या जनरेट करेगा हमेशा। वैसे रैंडम मतलब बारंबारता होता है, वही हम अभी बोलने वाले थे। रैंडम हमेशा यूनिक वैल्यू देगा, यानी कि रिपीटेड वैल्यू नहीं देगा। This module contains function that are used for generating random numbers. Main काम क्या है? Random number generate कराना। जैसे random.random दे दिया, तो क्या हो जाएगा? Random real number float in range इस नाह से यहाँ तक। यानी कि आपको 0.0 से 1.0 के बीच में कोई भी एक random number generate करना है, तो generate करके दे दिया। ऐसा कोई logic नहीं है, सिर्फ random generate करके ये दे दिया। अगला random.randint, यानी कि रैंडम इंटीजर जो है उसके बीच का कोई रैंडम नंबर, एक्स एंड वाई के बीच का, मतलब मान लीजिए 3, 7 है, तो पहले बार किए तो 4 दे दिया, हो सकता है दूसरा बार करेंगे तो 6 दे दे,
ठीक है, तीसरा बार करे 5 दे दे, तो ये कुछ भी रैंडम जनरेट करके दे सकता है, घबराना नहीं है, लॉजिक नहीं खोजना है, आरआईपी लॉजिक। ठीक है, अगला है क्या है, रैंडम डॉट रैंड रेंज। ठीक है, यानी कि रैंडम रेंज की बात हो रही है, 0 से लेके y के बीच में y का कोई वैल्यू दे दिया जाए, जैसे यानी कि 5 दे दिया, तब 0 से 5 के बीच में कोई भी ना रैंडम नंबर जनरेट कर देगा, 0 टू 5 है, एंड नहीं है, 0 टू 5 के बीच में, यहाँ पे 4 दे दिया, हो सकता है 3 दे दे, 2 दे दे, 1 दे दे, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, अगला है क्या कि रैंडम डॉट रैंड रेंज एक्स वाई, इंटीजर x और y के बीच में, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही लग रहा है, रैंडम डॉट रैंड रेंज 2 से 7, और 2 से 7 बीच में 2 दे दिया, हो सकता है 3 भी दे दे, 4 भी दे दे, 5 भी दे दे, 6 भी दे दे, 7 भी दे दे, कुछ भी दे सकता है, रैंडम नंबर जनरेट कराना है, कंसेप्ट क्लियर है रैंडम का, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा है आपका स्टैटिस्टिक्स, वैसे स्टैटिस्टिक्स चैप्टर तो आपने पढ़ा ही होगा, इसमें क्या क्या मेनली पढ़ना था, मीन मीडियन मोड, यही तीनों पढ़ना है ना। मीन क्या होता है, मीन आपका एवरेज होता है, या फिर अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं, मीन क्या होता है, एवरेज होता है, मीडियन क्या होता है, बीच वाला नंबर जो होता है वो मीडियन होता है, जो सीक्वेंस दिया हुआ है उसके बीच वाला जो नंबर होता है, बीच वाला नंबर उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। और मोड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेटिव टर्म, मोस्ट रिपीटेटिव टर्म। ये तीनों चीज क्लियर है, तो अब आइए आगे चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन, अरिथमेटिक मीन निकालना है जो कि एवरेज का हक कहलाता है। ठीक है, तो इसका एवरेज निकाल दिया सिंपली, आपको आंसर मिल गया। स्टैटिस्टिक्स डॉट मीडियन, मीडियन में क्या है, बीच वाला वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है, तो बीच वाला तो आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका 32 आंसर हो गया। फिर स्टैटिस्टिक्स डॉट मोड है, तो मोड में क्या होता है कि मोस्ट रिपीटेटिव टर्म, इसमें क्या है, 11, 24, 11, 45, 11 ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो 11 इसका आंसर हो गया। रेड ब्लू रेड, रेड दोबारा आया तो रेड आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक में आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स दिया हुआ है, तो उसको नोट्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि नोट्स पढ़ना थोड़ा ज्यादा जरूरी हो जाता है कभी ना कहीं। ठीक है, पहला पॉइंट कहता है कि इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी रिटन एनीवेयर इन द प्रोग्राम, इंपोर्ट जो स्टेटमेंट होता है वो पूरे प्रोग्राम में कहीं भी लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि यही लिखना है, चाहे जगह फिक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। मॉड्यूल मस्ट बी इंपोर्टेड ओनली वंस, देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है, जो नोट वाला चीज है ना वो पे आप ध्यान देते रहिए, नोट वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जामिनर इसी एरिया को टारगेट करता है और क्वेश्चन सेट कर देता है, और आप लोग कोडिंग के चक्कर में पड़े रह जाएंगे, यहाँ पे एग्जामिनर ये सब सेट करके रख देगा, फिर क्वेश्चन बन नहीं पाएगा। मॉड्यूल को कितने बार इंपोर्ट किया जा सकता है, एक ही बार, ओनली वंस, एक ही बार। इन ऑर्डर टू गेट अ लिस्ट ऑफ मॉड्यूल्स अवेलेबल इन पाइथन वी कैन यूज दिस स्टेटमेंट, अगर आपको चेक करना है कि पाइथन में कितने लिस्ट मॉड्यूल अवेलेबल है, मॉड्यूल्स के लिस्ट कितना अवेलेबल है, तो आप सिंपली ये वाला स्टेटमेंट लिखिए, आपको पता चल जाएगा। हेल्प क्या लिखना है, आपको हेल्प लिखना है, फिर आपको मॉड्यूल लिखना है, और इस मॉड्यूल को एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करना है। ठीक है, तो ये बात हो गई मॉड्यूल के लिस्ट की। टू व्यू द कंटेंट ऑफ मॉड्यूल से मैथ टाइप द फॉलोइंग, जैसे मान लीजिए कि मॉड्यूल के कंटेंट को जानना है, जैसे मान लीजिए कि मैथ को जानना है, तो क्या लिखना है, सिंपली हेल्प मैथ, और मैथ को भी एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करना है, यानी कि डबल कोट में लिखाएगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। इसमें एक पॉइंट और है कि द मॉड्यूल्स इन द लाइब्रेरी फंक्शन कैन बी फाउंड इन द लिब फोल्डर ऑफ पाइथन, यानी आपको देखना है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कहाँ है मॉड्यूल में, तो कहाँ जाना पड़ेगा, आप लिब फोल्डर में जाना पड़ेगा, पाइथन कौन सा है, लिब, लाइव लिब कुछ भी कहिए, लिब फोल्डर। अब अगला है फ्रॉम स्टेटमेंट, यानी कि फ्रॉम स्टेटमेंट। ठीक है, अगला क्या है, फ्रॉम स्टेटमेंट। अभी तक हमने क्या पढ़ा था मॉड्यूल्स के बारे में, कि दो तरीके का है, एक है बिल्ट इन मॉड्यूल और एक क्या है, फ्रॉम स्टेटमेंट। तो बिल्ट इन में तो हम लोग 3 पढ़ लिए, मैथ, रैंडम और स्टैटिस्टिक्स, तो अब क्या है,
फ्रॉम स्टेटमेंट। अब इसमें हम आगे पढ़ाएं, इससे पहले हम आपको बता दें कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन आपको ओवरव्यू हम दे देंगे ताकि आपको नॉलेज में रहे, ठीक है। आइए, इंस्टीड ऑफ लोडिंग ऑल फंक्शन इनटू मेमोरी बाय इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल, इसे इंस्टीड ऑफ लोडिंग ऑल फंक्शन इनटू मेमोरी बाय इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल, जैसे क्या है कि इसके पहले हमने क्या देखा कि मेमोरी में क्या होता है, ऑल द फंक्शन इनटू मेमोरी, यानी कि जितने भी फंक्शन उसको मेमोरी में लोड करने के लिए क्या करते हैं, मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं। तो उसके जगह पे अब हम क्या करेंगे कि फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज करेंगे, उसके जगह पे अब हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज करेंगे दैट कैन बी यूज टू एक्सेस ओनली द रिक्वायर्ड फंक्शन। अभी तक मॉड्यूल में क्या था कि सारा फंक्शन आ जाता था, ऑल फंक्शन आ जाता था, लेकिन फ्रॉम के केस में क्या होता है कि सिर्फ जितना आपको जरूरत है ना उतना ही फंक्शन आएगा। पॉइंट क्लियर है, समझ में आ गया। इट लोड्स ओनली द स्पेसिफाइड फंक्शन इंस्टेड ऑफ ऑल फंक्शन, सारे फंक्शन के जगह पर जितने रिक्वायर्ड है, जितने की रिक्वायरमेंट है उतना ही फंक्शन आपको आएगा, ठीक है, स्पेसिफाइड फंक्शन, ठीक है। और इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, पहले फ्रॉम लगाएगा, फिर मॉड्यूल नेम, फिर इंपोर्ट, फिर फंक्शन नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट कॉमा फंक्शन नेम, ऐसे कर करके चलेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सिंटेक्स। और सिंटेक्स आप ध्यान में रखिएगा, जो जो सिंटेक्स हम बताते जा रहे हैं सबको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें प्रोग्राम समझाने की आई डोंट थिंक की जरूरत है आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी एक हम एक दो बता देते हैं। जैसे फ्रॉम, फ्रॉम लग गया, फिर यहाँ पे मॉड्यूल नेम क्या है, रेंडम है, फिर इम्पोर्ट और रेंडम यहाँ पे फंक्शन है। ये रेंडम क्या है, ये आपका मॉड्यूल नेम है, ये ध्यान में रखिएगा, उल्टा सीधा नहीं करिएगा, ये मॉड्यूल नेम, और ये क्या है, ये आपका फंक्शन नेम, ठीक है। फिर क्या लिखाएंगे, रैंडम, फिर पैरेंथेसिस देंगे द मॉड्यूल नेम, सॉरी रैंडम पैरेंथेसिस लग गया, ये इसका पार्ट लिखा हुआ है कि फंक्शन कॉल्ड विदाउट द मॉड्यूल नेम, यानी कि जो फंक्शन को कॉल किया गया वो बिना मॉड्यूल के नेम के कॉल किया गया है, ठीक है, और आपको आउटपुट सिंपली मिल जाएगा, क्योंकि बताया नहीं गया ना कि कौन सा आपको चाहिए, सिर्फ रैंडम नंबर है जनरेट कर दिया, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से, अब तो प्रोग्राम से आपको वो सब उतना ध्यान आपको देना नहीं है, तो इस तरीके से हमारा पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। कुछ इसमें समरी भी है जो कि ऑलरेडी हम आपको पहले भी कवर कर चुके हैं, एक बार फिर हम बता देते हैं कि इन प्रोग्रामिंग फंक्शंस आर यूज टू अचीव मॉड्यूलरिटी एंड रियूजेबिलिटी। फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है, रियूज के लिए, यानी कि पुनर्प्रयोग के लिए, मॉड्यूलरिटी के लिए, मैनेजेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अगला है, फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज द नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो अभी थोड़ी देर पहले हमारा चर्चा हो चुका है वही है। प्रोग्रामर्स कैन राइट देयर ओन फंक्शन नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड में क्या हो, जिसको हम खुद से डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे प्रोग्रामर्स दे दिया, क्योंकि प्रोग्राम कौन लिखेगा, प्रोग्रामर ही लिखेगा, इसलिए ये टर्म को यूज किया गया है, घबराना नहीं। पाइथन इंटरप्रेटर, ये पॉइंट है, पाइथन इंटरप्रेटर हैज अ नंबर ऑफ फंक्शन बिल्ड इनटू इट। इंटरप्रेटर के पास बहुत सारा इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन इंटरप्रेटर के साथ। दीज आर द फंक्शन दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज इन पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। सच फंक्शन आर नोन एज बिल्ट इन फंक्शन, क्लियर है। आर्गुमेंट इन इज अ वैल्यू पास्ड टू द फंक्शन ड्यूरिंग फंक्शन कॉल व्हिच इज रिसीव्ड इन द पैरामीटर डिफाइंड फंक्शन हेडर। ये भी हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था कि आर्गुमेंट क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। छोटा छोटा पॉइंट्स है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब कुछ ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट है कि मल्टीपल वैल्यूज इन पाइथन आर रिटर्न थ्रू टपल। पाइथन में अगर मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करना है तो किसके थ्रू होगा, टपल के थ्रू होगा। और टपल इसमें बहुत एक जगह हम लोगों को टपल भी पढ़ना था इसमें, और हम उसको इसलिए स्किप कर दिए क्योंकि आगे चल के टपल का डिटेल्स में पढ़ना है, टपल डिटेल्स में पढ़ना है आगे चल के, इसलिए हम उसको स्किप कर दिए थे, क्योंकि यहाँ भी पढ़ेंगे वहां भी पढ़ेंगे, फिर टाइम का खराबी होता है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ है नहीं खास, सब वही है जो जो हमने पढ़ा है। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो चैप्टर है फंक्शन पाइथन का वो कंप्लीट हो गया है। तो इसको आप दोनों वीडियोस को देख लीजिए, आज वाला भी और जो कल मैंने बताया था वो भी, और कल इस पे एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहिएगा।
तो आज हम फिलहाल वीडियो में यहीं तक रखेंगे और फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।